आज हम 30 साइड की साइज के ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो मैंने इसे फोल्ड कर रखा हुआ है। अब हम इसमें शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो मैंने इसमें 5.5 पर निशान लगाया है। 5.5 पर ही हमें आर्म होल का निशान लगाएंगे और एक सीधी सी लाइन खींचेंगे इस तरह से। और इसका हम इस तरह से बॉक्स तैयार कर देंगे। और इसे राउंड शेप देते हुए हम इसे इस तरह से गोल करेंगे। अब हम इसमें फ्रंट की कटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ से हम आधा इंच एक्स्ट्रा भी लेंगे और एक सीधी सी लाइन और खींचेंगे। इस तरह खींचने के बाद इसे भी हम राउंड शेप देंगे। तो हमने ये दे दिया। अब हम जब इसकी कटिंग करेंगे नीचे की तरफ इसे डाउन कर देंगे, जिससे कि फिनिशिंग अच्छी आए। अब हम चेस्ट पर आएंगे, तो मैं इसे 30 की बना रही हूँ। तो मैं इसमें निशान लगाऊंगी 7.5 पर। और मार्जिन के लिए मैंने यहाँ 1.5 इंच बढ़ाया है। चौबीस का मैंने चौथाई हिस्सा 6 इंच लिया है। मार्जिन के लिए मैंने यहाँ 1.5 इंच बढ़ा, जितना मैंने ऊपर रखा उतना ही हम नीचे भी रख लेंगे मार्जिन के लिए। अब इन दोनों पॉइंट को हम इस तरह से ज्वाइंट भी कर देंगे। तो ये हमारा मार्जिन का हो गया और ये हमारा फिटिंग का हो गया, जो हम बॉडी के लिए फिटिंग करेंगे। यहाँ से हम बेल्ट बनाएंगे। तो मैंने इसमें 2.5 इंच पर बेल्ट का निशान लगाया और 2.5 इंच हम दूसरी तरफ से भी लगाएंगे। अब इन दोनों पॉइंट को हम इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे एक सीधी सी लाइन खींच कर। अभी यहाँ पर मैंने इसमें निशान लगाया है। 6 इंच की बनाई इसमें करूँ, तो मैं इसमें 3 इंच पर निशान लगाऊंगी। और यहाँ से मैं 2 इंच पर डार्ट बनाने के लिए सीधी सी लाइन खींचूंगी इस तरह से। यहाँ से हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और 1.5 इंच पर हम यहाँ पे भी दूसरी तरफ से फ्रंट की तरफ से भी आर्म होल की तरफ से भी हम 2 इंच पर लगाएंगे। और इस तरह से सीधी सी लाइन खींचेंगे। और ये साइड की तरफ से हो गया हमारा इस तरह से। और ये हमारा फ्रंट की तरफ से हो गया। तो इस तरह से हमारे 4 डार्ट तैयार हो गए। अब हम गले पे आएंगे। गले की चौड़ाई मैंने इसमें 2.25 रखी है ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ मैंने इसमें 2.5 इंच रखा है और लेंथ इसकी 5.5 रखी है। 5.5 पर निशान लगाने के बाद हमें इसका एक इस तरह से बॉक्स बना देंगे। तो इस बॉक्स के अंदर आप कोई भी शेप दे सकते हो। तो मैं इसमें राउंड शेप देते हुए गोल शेप दे रही हूँ इस तरह से। यहाँ से हम अपने शोल्डर को भी डाउन कर देंगे 1/2 इंच। तो इस तरह से मेरा ये कंप्लीट हो गया है। होने के बाद हम यहाँ अपने बेल्ट को 1/4 इंच इस तरह से उठाएंगे। ये सब कंप्लीट होने के बाद हम इस पर अब कटिंग करेंगे। तो डायरेक्ट हम उसी पर कटिंग करेंगे जो हमने एक्स्ट्रा लिया था इसमें। और जब काटेंगे तो हम यहाँ से थोड़ा सा डाउन कर देंगे नीचे की तरफ, जिससे कि फिनिशिंग अच्छी आए इसकी। और यहाँ से हम अपनी बेल्ट कटिंग करेंगे। तो ये हमारी बेल्ट होगी। यहाँ से हम शोल्डर को भी डाउन कर देंगे 1/2 इंच इस तरह से। ये सब कंप्लीट होने के बाद हम यहाँ पे डार्ट का निशान लगा देंगे। यहाँ से हम 1/2 इंच ऐसे निशान लगाएंगे और एक क्रॉस में इस तरह से लाइन खींचेंगे। दोनों तरफ खींचना है हमें इस तरह से। ये सब कंप्लीट होने के बाद हम यहाँ पे इस ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ पे
इस तरह से करने के बाद इस तरह से हम निशान लगा देंगे तो हमारा ये डार्ट बनकर तैयार हो जाएगा दोनों तरफ। और ये हमारा साइड से हो गया दूसरा डार्ट, और ये हमारा फ्रंट से हो गया जो हमारा फ्रंट की तरफ है। ये तीसरा डार्ट है हमारा, ये हमारा चौथा है डार्ट जो बनकर तैयार हो जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से दोस्तों ये छोटे साइज का हमारा ब्लाउज तैयार हुआ है। तो आप भी बनाना अपने लेंथ के अनुसार कपड़े पे, ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा बनने के बाद। तो यहाँ से हम अपने बेल्ट को इस तरह से ज्वाइन करेंगे, तो ये हमारी बेल्ट तैयार हो गई इस तरह से। तो आप भी बनाना अपने लेंथ के अनुसार कपड़े पे, ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।